हेलो फ्रेंड्स, तो मेरी ये नई वीडियो दोस्ती के लिए है। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर पहुँचा देना कि दोस्त क्या है। पता है दोस्त का होना क्या है? चलो मैं बताता हूँ कि सबसे पहले तो कि एक दोस्ती ही ऐसा रिश्ता है जो हमें खुद बनाना पड़ता है, वरना बाकी सारे रिश्ते तो हमें बने हुए ही मिल जाते हैं। अब यहाँ ऐसा भी होता है कि लोगों का कहना होता है कि दोस्ती के लिए अक्सर जैसी संगत वैसी रंगत, तो बता दूं अब यह हमारा हमारे दिमाग पर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि हमें गलत और सही का फ़र्क पता हो। और ज़रूरी नहीं कि दोस्त गलत है तो उसे छोड़ दिया जाए, यह तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बल्कि जहां हमें पता है कि हमारा दोस्त गलत राह पर है तो उसे राह पर आगे बढ़ने से पहले हम उसे वहां से सही राह पर ले जा सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि दोस्त गलत है भी तो हम भी गलत बन जाएं, बल्कि अगर हम सही हैं तो दोस्त को भी सही राह पर ला सकते हैं। और पता है, दुनिया में भले ही कोई कितना भी अपना कह ले, पर अक्सर अधिकतर लोग सिर्फ हमारी खुशियों में अपनी हिस्सेदारी दिखाते हैं, और जब कभी हमारे ऊपर गम के बादल आते हैं ना तो वो आसपास दिखाई भी नहीं देते। ऐसे समय पर सिर्फ दोस्त हमारे साथ होता है, और इस तरह कि हम भी सोचने लगते हैं कि ये परेशानी मेरे ऊपर आई थी या इसके ऊपर। दोस्त हमेशा हमारी परेशानियों में, हमारे दुख में हमेशा आगे खड़ा होता है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई दोस्त है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसका साथ कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि दोस्ती ऐसा शख्स है जो हमारे लिए किसी भी परेशानी से लड़ सकता है या किसी भी शख्स से लड़ सकता है, भगवान से भी लड़ सकता है, पर दोस्त पर आँच नहीं आने देगा। वो बात अलग है कि होने को कोई नहीं टाल सकता, पर दोस्त अपना फर्ज पूरा करता है। खैर मंगदा मैं तेरी रब से यारा, खैर मंगदा।